नमस्कार, मैं मुकुल कक्षा 9th का विद्यार्थी हूँ। नमस्कार, मैं जितिन कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल अली मोहम्मद, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। मैथमेटिकल मॉडल, हमने एक मॉडल तैयार किया है जिसमें एक बेस तैयार किया है हमने और उस पर एक स्टिक लगाई है, दूसरी स्टिक ली है जिसमें हमने स्केल को निर्धारित किया है। हमने एक लकड़ी का पहिया बनाया है, इस पहिए की सहायता से हम पाई के मान को निर्धारित करेंगे। पाई बराबर परिधि और व्यास का अनुपात होता है। परिधि को हम 2πr और व्यास को 2r लेते हैं, जिसमें r वृत्त की त्रिज्या है। पहिए के आविष्कार से मानव के जीवन में गति आई है। हमने जो स्केल लिया है वो 1 यूनिट बराबर पहिए का व्यास लिया है। हम पहिए को 0 से चलाना शुरू करेंगे और जिस बिंदु पर पहिए का एक चक्कर पूरा हो जाएगा उसी बिंदु का मान पाई का मान होगा। अब हम इस स्टिक को इस स्टिक के ऊपर फिक्स कर रहे हैं। अब हमने इस स्टिक को इस स्टिक के ऊपर फिक्स कर दिया है और अब इस पहिए की सहायता से हम पाई के मान को निर्धारित करने का प्रयास करेंगे। पहिए पर तीर का निशान अंकित किया है, इस तीर को हम 0 पर अंकित करेंगे। यह जो स्केल है वो 1 यूनिट बराबर पहिए का व्यास है। पहिए को हम 0 से चलाना शुरू कर रहे हैं। जिस बिंदु पर पहिए का एक चक्कर पूरा हो जाएगा उसी बिंदु का मान पाई का मान होगा। इस प्रकार हमने पाई का मान 3.14 तक ज्ञात किया है। हमने एक और लकड़ी का वृत्ताकार पहिया लिया है, ये इसका व्यास है और ये इसकी परिधि है। इस वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात की सहायता से हम पाई के मान को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। अब हमने एक कागज की पट्टी ले ली है, इस पट्टी की सहायता से हम वृत्त की परिधि की लंबाई को ज्ञात करेंगे। अब हमने इस वृत्त की परिधि की लंबाई को ज्ञात कर लिया है। अब हम इस वृत्त की परिधि की लंबाई को इस वृत्त के व्यास से विभाजित कर रहे हैं। का एक भाग हो गया, दो भाग, ये 3 भाग हो गए हैं और अब हमारे पास जो परिधि की लंबाई का शेष भाग बचा है, इसकी लंबाई का वृत्त के व्यास की लंबाई का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने AX किरण खींची है। अब हम इस किरण पर वृत्त के व्यास के बराबर एक रेखाखंड काटते हैं। इस प्रकार हमें ये बी बिंदु प्राप्त हो गया है। इस प्रकार AB की लंबाई वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर है। अब हमारे पास जो परिधि की लंबाई का शेष हिस्सा है उसको हम प्रारंभिक बिंदु पर रखकर एक रेखाखंड काट रहे हैं। ये हमें बिंदु C प्राप्त हुआ है। अब हमने AC की लंबाई का AB की लंबाई का अनुपात ज्ञात करने के लिए बिंदु A से न्यूनकोण बनाती हुई एक AY किरण खींची है, जिस पर हमने समान 10 भाग किए हैं। A से A10 तक हमने A1 और A2 के बीच में भी समान 10 भाग किए हैं। अब हम B को A10 से मिलाते हैं। हम बिंदु C से B और A10 के समांतर एक रेखाखंड खींच रहे हैं। बिंदु सी से AE10 के समांतर एक रेखाखंड खींचा जो किरण AY को A1 पर प्रतिच्छेद करता है, पॉइंट 4 और पॉइंट 5 के बीच में प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार AC की लंबाई AB की लंबाई का पॉइंट 1.4 हमने ज्ञात किया है। इस प्रकार पाई का मान वृत्त की परिधि की लंबाई को वृत्त के व्यास की लंबाई से विभाजित करने पर हमें पाई का मान 3.14 प्राप्त हुआ है। का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। पाई के प्रयोग से हम वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जिसे वृत्त की परिधि बराबर 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर है। यदि हमें कोई वृत्ताकार मेज की बाउंड्री पर कोई रिबन लगानी है और उसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो हमें वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr की आवश्यकता होगी। यदि हमें वृत्ताकार मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो πr स्क्वायर का प्रयोग होगा। किसी डॉक्टर को एक आँख के स्ट्रक्चर का अध्ययन करना हो उसे पाई की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह दिखने में वृत्ताकार होती है और उसको यदि आँख में लगने वाली लेंस बनाना है तो उसे परफेक्ट साइज के लिए पाई की आवश्यकता होगी। पाई का पहिया वृत्ताकार होता है। यदि हमें गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है तो हमें वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr की आवश्यकता होगी।
जिसके द्वारा हम गाड़ी द्वारा तय की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें पाई की आवश्यकता होगी। जैसे ये गोला है, यदि हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन या द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हमें कुछ सूत्र जैसे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3πr³ होता है। इसकी सहायता से हम इसका द्रव्यमान और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें पाई की आवश्यकता होगी। इंजीनियर को एक फुटबॉल बनानी है, उसका परफेक्ट साइज और उसमें लगने वाले मटेरियल को ज्ञात करना है तो उसे पाई की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4πr² से उसमें फुटबॉल में लगने वाले मटेरियल को वह ज्ञात कर सकता है, और उसका द्रव्यमान फुटबॉल का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो गोले का आयतन बराबर 4/3πr³ के सूत्र से वह उसको ज्ञात कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी गोलाकार वस्तु को बनाने के लिए उसे पाई की आवश्यकता होगी। जैसे ये एक बेलनाकार डिब्बा है, यदि एक इंजीनियर को एक परफेक्ट साइज़ का बेलनाकार डिब्बा बनाना हो और उसमें आने वाली मात्रा को ज्ञात करना हो तो पाई की आवश्यकता होगी। जैसे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr r+s के सूत्र की सहायता से डिब्बे को बनाने वाले मटेरियल को ज्ञात कर सकता है। बेलन का आयतन बराबर πr²h की सहायता से वो इसमें आने वाली मात्रा को ज्ञात कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट साइज के बेलनाकार डिब्बे को बनाने के लिए पाई की आवश्यकता होगी। जैसे ये एक हवाई जहाज है, यदि एक इंजीनियर को एक लड़ाकू विमान या यात्री विमान बनाना है तो उसे पाई की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके आगे का हिस्सा शंकुआकार होता है और इसके ऊपर का हिस्सा अर्धगोलाकार होता है। यदि एक इंजीनियर को एक गाड़ी का पहिया बनाना है, उसको परफेक्ट साइज देना है तो उसे पाई की आवश्यकता होगी, और इंजीनियर को टायर में लगने वाले मटेरियल को ज्ञात करना है तो उसे पाई की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हमने इस मॉडल की सहायता से पाई के मान को निर्धारित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाई का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। धन्यवाद।